तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूँ प्रतीक्षा और स्क्रीन पर जिस इन्वायरमेंट स्टडीज़ के पार्ट को आप देख रहे हैं, ये पेपर है सीटेट 2018 जो कि 9 दिसंबर को हुआ है और ये पेपर 1 है। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। और आपको पता ही होगा अगर आपने पेपर दिया है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का था और आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि आपके हिसाब से सही था पेपर या टफ था और आपके क्वेश्चन किस तरह से गए। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक है? इसका राइट ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन 3। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों की आग, बिजली झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, और ये जो आप बुकलेट सीरीज देख रहे हैं ये बुकलेट सीरीज के है, तो आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। अगर आपके आपकी भी के है तो आप इसके अकॉर्डिंग चलिए, और अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। राइट ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। राइट ऑप्शन है 4, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। क्वेश्चन नंबर 65 है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, सही जवाब ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इसके आंसर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या करके आए हैं और इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 69, विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन 4, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ऑप्शन 4 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में भोज के बिना सीखना क्या बताता है? सही जवाब ऑप्शन 3, स्कूल बैग का कम वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? राइट ऑप्शन ऑप्शन 1, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाला का पूरा नाम है ऑप्शन 1, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? सही जवाब है इसका सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह क्या है? यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? राइट ऑप्शन उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सही जवाब है ऑप्शन 2, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है? राइट ऑप्शन, ऑप्शन टू ग्राफिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? राइट ऑप्शन थ्री एनसीएफ 2005। सॉरी। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की रिवाज है? सही जवाब ऑप्शन वन, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, ऑप्शन फोर को लेकर एंड ऑप्शन टू को लेकर। तो आपको बताना है, अगर आपको पता है कमेंट में करके ज़रूर बताएगा, जिससे कि लोगों की मदद हो, और अगर आपको नहीं पता है तो एक बार कमेंट ज़रूर चेक कर लें। अगर किसी ने आंसर दे रखा है तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो राइट ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी, मिथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, सब तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? राइट ऑप्शन है फोर, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की भ्रष्टी छाया में होते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सही जवाब है ऑप्शन फोर, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट इज, गोलकुंडा किला किसने बनवाया? सही जवाब ऑप्शन वन, काकतीय राजवंश ने। नेक्स्ट है, 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? राइट ऑप्शन फोर, 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो सही जवाब है ऑप्शन टू, भार। नेक्स्ट है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण पास नहीं हो सकती, तो वह है ऑप्शन थ्री, अपारदर्शी। नेक्स्ट इज, पृथ्वी की सतह पर किस वस्तु का भार क्या होता है जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? सही जवाब है ऑप्शन थ्री, 60 किलोग्राम, क्योंकि जो पृथ्वी का भार होता है वह चंद्रमा की भार से 10 किलो, ओ 6 किलो, 6 गुना ज्यादा होता है, सॉरी 6 गुना ज्यादा होता है। अगर वहां पर 10 है तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन थ्री 60 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट है, एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? राइट ऑप्शन सतह क्षेत्र पर। नेक्स्ट है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के बारे में संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने का सबसे उपयुक्त रणनीति है? राइट ऑप्शन टू, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस पार्ट के 30 क्वेश्चंस के आंसर। अगर कोई आपको आंसर गलत लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, उसको सही करने की कोशिश की जाएगी, औरों को भी हेल्प मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, पूरी कोशिश की गई है कि सही से सही आंसर दिए जाएं। फिर भी कोई कोई क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन है तो आंसर आप जरूर बताएं, साथ ही ये बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, कितने मार्क्स आप बन सकते हैं आपके ईवीएस में, और आपको पेपर कैसा लगा, सरल या टफ। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सब्जेक्ट की आंसर की के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।